हेलो एवरीवन, आज है हमारी डे वन की क्लास। आप लोगों को कोन रेडी रख लेना है, आप लोगों को पेंसिल रेडी रख लेनी है और आप लोगों को अपना मार्कर रेडी रख लेना है। ये तीनों चीजें आप लोगों की होनी चाहिए रेडी। क्या आपका सामान रेडी है? ब्लैक पेन भी आप लोगों से मैंने मंगवाया था, ब्लैक पेन भी आपको हमेशा रेडी रखना है, ठीक है। अभी आप लोगों को मैं पेंसिल से बताऊंगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, पेंसिल का यूज करना है, ठीक है। पेंसिल का यूज करके आज हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले लाइन की प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। जो भी आपकी शीट है फर्स्ट डे डाल देना, ओनली आपको डे वन लिखना है अपनी नोटबुक में। उसके बाद आपको सेम ऐसे ही काम स्टार्ट कर देना है, ठीक है। ए फोर साइज की शीट है, मैंने ऐसे कर लिया। अगर आपके पास फाइल है तो आप फाइल भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करें। लाइन ड्रॉ करने के लिए ये वाला जो एरिया होता है हमारे हाथ का, ये वाला जो एरिया होता है, इसे हम यहां पर रख देंगे, ठीक है। सबसे कॉर्नर में मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखो, एक ही बार में मेरे को जहां तक भी खींचनी, एक बार में ही खींचा जानी चाहिए, ठीक है। यानी आपको हाथ हमेशा एकदम यहाँ पे स्टिक रखना है। अब आपको लाइन ड्रॉ करनी एकदम स्ट्रेट। ये देखो, मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी लाइन ड्रॉ करने के लिए कहूंगी आपको, फोर लाइन तो हमेशा ड्रॉ करनी है। एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है, ये मैंने ड्रॉ कर ली है सेकंड लाइन, ये मैंने ड्रॉ कर ली थर्ड लाइन, और ये मैंने ड्रॉ कर ली फोर्थ लाइन। फोर लाइन हम लोगों को ड्रॉ कर लेनी है। अब मैं जो बनाऊंगी उसे बोलते हैं हम कंगूरे। अभी जो डिजाइनर मेहंदी चल रही है, हम इंस्टाग्राम पर देखते हैं, नेट पर देखते हैं, बहुत सारी डिजाइनर मेहंदीज जो अब चल रही है उसमें कंगूरे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये क्या होते हैं, तो देखो एकदम डब्ल्यू की तरह हमें छोटे छोटे से यहां पर कंगूरे बना लेने हैं। देखो कैसे मैं बना रही हूं, डब्ल्यू हम बनाते हैं ना वैसे ही हमें बना लेने हैं। देखो ये कैसे एक जैसे सिमेट्री से बन रहे हैं, हमें बिल्कुल सेम साइज में इसे बनाना है। भले धीरे बनाओ, इसमें आपकी स्पीड स्लो होगी, लेकिन आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमेशा फोर लाइंस में से कोई भी टू लाइंस आपको फिल कर देनी है। तो टू लाइंस आप ऊपर वाली भी ले सकते हो और बीच वाली भी ले सकते हो। इसके अंदर हमें कौन सी लेनी है, बीच वाली लेनी है। टू लाइंस फिल कर रहे बीच वाली, चलो इसको फिल कर दो। अब हमने जो ये छोटे छोटे कंगूरे बनाए ना, सेम अब हमको इसको बड़े बनाने हैं, ठीक है। बड़े कंगूरे हम बनाएंगे, ये हम बना रहे हैं बड़े कंगूरे। एकदम धीरे धीरे बनाना, लेकिन इक्वल बनाना। ये हमने कर लिया है काम। अब आपको क्या कर लेना है, दो लाइन, दो लाइन हमें और ड्रॉ करनी है। वन एंड ये हो गया हमारा टू, टू लाइन्स हमने और ड्रॉ कर दी। अब ये वाला जो एरिया, इसे हमें फिल कर देना है। ये वाला एरिया हमें फिल कर देना है, आराम से करना, कोई बात नहीं। आप धीरे काम करोगे, लेकिन अच्छा करना, हमेशा कोशिश करना कि हम अच्छा काम करें। चलो ये हमने कर दिया है। अब हमें वापस छोटे छोटे कंगूरे की एक लाइन बनानी है, पूरी चेन की तरह ही दिखनी चाहिए। ठीक है, अब हम डॉट्स लगाएंगे, तो डॉट्स एकदम इक्वल और एकदम अच्छे बनने चाहिए। अब मैं बना रही हूं यहां पे डॉट्स, देखो ये कितने अच्छे बन गए ना डॉट्स। इसी से फिनिशिंग आएगी, इसलिए आपको ऐसा ही करना है सेम। ये हमने बना लिया है, हमारे डॉट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसी का यूज करके एक सर्कल बनाना है। सर्कल क्या होता है, जब भी हम बेल्ट बनाते हैं, देखो ये अभी तक मेरे हाथ पर बना हुआ है, ये बेल्ट सेम एज इट इज जो मैंने अभी आपको सिखाया वो मैंने यहां पर बना रखा है। अब ये बेल्ट आपको क्या करना है, राउंड शेप में बनाना है इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे हम राउंड शेप में यही बेल्ट बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको राउंड बनाना है, छोटा बड़ा कैसा भी बनाओ आपके अकॉर्डिंग, एकदम अच्छा सा गोला बनाना है। अब फर्स्ट हमने ये वाली लाइन ली है ना, तो ये वाली लाइन ले लेंगे। फिर देखो दो लाइन और ड्रॉ कर रखी है, तो हम दो लाइन और ड्रॉ कर लेंगे। वन एंड ये टू, टू लाइंस हमने और ड्रॉ कर ली है। इसके बाद देखो यहां वन लाइन और है, तो एक लाइन में और ड्रॉ कर लेती हूँ, यानी टोटल मैंने फोर लाइन ड्रॉ कर ली है। जो ये वाली लाइन है इसे हमें फिल कर लेना है, बीच वाली जो दो लाइन है उसे हमें फिल कर लेना है। आराम आराम से काम करो, चलेगा, लेकिन जल्दबाजी में आप काम बिगाड़ना मत। अब हमें यहां पर चेन बनानी है छोटी सी, ये देखो मैं छोटी सी चेन बना रही हूं। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकती हूं, मैं उसका रिप्लाई, देखो थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन जरूर दूंगी। ये देखो हमने ये कर लिया है। अब हमें बड़े बड़े कंगूरे बनाने हैं, वन टू थ्री, ऐसे जितने भी आ रहे हैं हमें बनाना है। ठीक है, ये बन गया। अब हमें वापस एक सर्कल बनाना है, इसके बाद वाला ये वाला एरिया हम फिल कर देंगे। देखो मैं कैसे स्मूथली से फिल कर रही हूं,
पूरा ये एरिया हमें फिल कर देना है। चलो लास्ट में मैं ना आप लोगों को इसको हाथ पर बनाकर भी बताऊंगी कि कैसे पूरा हाथ इससे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला काम करने के बाद एक और लाइन हमें ड्रॉ करनी है, एक और सर्कल हमें बनाना है, एक और सर्कल हम कंप्लीट कर रहे हैं। अब यहां पर हमें कंगूरी की एक और लाइन बना लेनी है, पूरी चैन हमें यहां पे अच्छे से बनानी है गाइस। कंप्लीट, ठीक है। अब हमें यहाँ पे डॉट्स लगा लेने हैं। इसको जो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, हम बेल्ट बोलते हैं, इसे हम बेल्ट बोलते हैं। ऐसे ही मैं आपको बहुत सारे बेल्ट्स यहाँ पर बनाकर बताऊंगी। तो ये सारे बेल्ट्स जो होते हैं और इसे बोलते हैं हम राउंड, ठीक है। तो बेल्ट से ही राउंड बनते हैं हमेशा। तो बेल्ट अगर आपको आ गया तो राउंड भी सेम आपको आ जाएगा, बस आपको यहाँ पर राउंड बनाने आना चाहिए, बाकी डिजाइन आपसे बन जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ लाइन है तो हमने यहाँ सर्कल करा, फिर फोर लाइन्स ड्रॉ करी तो यहाँ पे फोर लाइन्स आ गई, फिर कंगूरे आ गए, तो यहाँ पर जो चीजें रिपीट हुई है वही हमने यहाँ पर ऐसे रिपीट करा है, ठीक है। तो बेल्ट बोलते हैं इतनी पतली लाइन, यानी इतनी चीज को हम बोल देंगे बेल्ट, और इसको बोल देंगे हम राउंड, ठीक है। यहाँ पर हम इसको बोल देते हैं राउंड्स। तो ये आप लोगों को पेंसिल से खुद को बनाना है। यहां मैं आपको कौन से बना के बता रही हूँ। हमेशा फाइल में आप स्टार्ट करते हो ना तो साइड से वर्क स्टार्ट करो। आप फर्स्ट से वर्क स्टार्ट करोगे तो यहां पर आओगे तो आपका हाथ बीच में आएगा, इसलिए आप हमेशा यहां से स्टार्ट करो, ठीक है। अब यहां पर हम करेंगे कोण वर्क। अगर आपके ऊपर, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आप यहां पर भी कोण वर्क कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग बाद में किसी और पेपर पर करना, ठीक है। अब देखो कोई भी कोण आप लोग यूज कर सकते हो, मैं यहाँ यूज कर रही हूँ कुहू कोण, ठीक है। कुहू कोण देखो यहाँ पर पिन आई है एक, इस पिन को हटाते से मुझे क्या करना है, चाहे मेहंदी निकल रही हो चाहे नहीं निकल रही हो, देखो कितनी बार ओवरफ्लो होने लग जाता है कि मेहंदी निकालते से पिन निकालते से बहुत ज्यादा निकलने लग जाती है, और हम मिस्टेक क्या करते हैं, निकल रही मेहंदी वेस्ट हो रही फटाफट लगाओ के चक्कर में हमारी पूरी डिजाइन बिगाड़ देते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से थोड़ी मेहंदी आपको रफ पेपर पर निकाल ही लेनी है। ये देखो मैंने रफ पेपर लिया है, इस पर मैं मेहंदी को निकाल रही हूँ, जब तक ब्राउनिश मेहंदी नहीं आएगी। ये देखो अब ब्राउनिश मेहंदी आ गई है ना, अब ये मेरा कोण जो है वो यूज करने लायक है, ठीक है। ये वेस्ट ही जाएगी या फिर किसी के आप हाथ पे लगा सकते हो, अदरवाइज आपके काम का नहीं है। चलो अब हमारा कोण रेडी हो चुका है, अब हमें ये वाली लाइंस बनानी, ये वाला बेल्ट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे हम ये वाला बेल्ट, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब बहुत सारे बोलोगे मैम आपने कोण कैसे पकड़ रखा है, तो देखो मैंने क्या कर रखा है, सेंटर में से पकड़ रखा है इसको, अंगूठे से मुझे प्रेस करना है, थ्री फिंगर्स मेरी इस तरफ है और वन फिंगर मेरी ऊपर है, अंगूठा ये देखो ऐसे पकड़ा है, और जब भी मैं प्रेस करूंगी अपने अंगूठे से तो मेहंदी आ जाएगी। यहां पर मैं प्रेस कहां से करूंगी, अंगूठे से करूंगी, ठीक है। तो अब देखो ये लाइन ड्रॉ कर ली, टोटल मुझे चार लाइन ड्रॉ करनी है, वन हो चुकी है, ये टू, ये थ्री और ये फोर, फोर लाइंस मैंने ड्रॉ कर ली है। अब बीच की जो ये दो लाइंस है हमें उसे पूरा फिल कर लेना है। देखो एक ही बार में फिल कर रही हूं, आप लोग ना ऐसे ऐसे फिल करते हो ना, ऐसे नहीं करना है, एक ही बार में इसे फिल करना है, ये देखो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां छोटे छोटे कंगूरे बनाने हैं, देखो मेरे को पता है आप लोग उसे अभी बेकार बन सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करते रहोगे, मेरी सारी वीडियोस देखोगे तो डेफिनेटली आप सीख सकते हो और बहुत अच्छे से सीख जाओगे, आपको डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर सच में आपको सीखने को मिल रहा है ना तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि मैम हमें सीखने को मिल रहा है आप सिखा रहे हो तो, और नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे भी बताओ कि मैम आप ये सिखाते हो तो हमें समझ में नहीं आता है, ठीक है, ताकि मैं उस चीज को इम्प्रूव करूं। अब आपको क्या करना है, बड़े कंगूरे बनाने हैं। अब आपको बड़े कंगूरे, छोटे कंगूरे की एक चेन बनाई, उसके बाद बड़े कंगूरे की एक चेन बनाएंगे। वाओ इट्स ब्यूटीफुल। अब इसे फिल कर देंगे, यहाँ पे डार्क लाइन कर दी मैंने, आप दो लाइन करके भी इसे फिल कर सकते हो या फिर एक लाइन करके फिल कर सकते हो। अब एक और लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है, वापस हमें कंगूरे लाइन ड्रॉ करने के बाद कंगूरे बनाने हैं, और उसके बाद हमें डॉट्स करना है। देखो आप ऊपर देख सकते हो मैंने क्या क्या कर रही हूं, आपको अपनी फाइल में भी सेम ऐसे ही वर्क करना है। यहां डॉट्स लगा लो, ये देखो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां पर हमें ये सर्कल वाला काम करना है। तो सर्कल वाले काम के लिए वापस क्या करूंगी मैं, यहां पर देखो मैंने एक छोटू सा सर्कल बना लिया है। अब वापस मुझे चार बार लाइन ड्रॉ करनी है, वन
कितनी बार क्या होता है ना, हमारी गलती नहीं होती, कोण की गलती होती है। कोण बहुत बेकार चल रहा होता है, और अभी मेरा चल रहा है, अभी मेरा कोण बहुत सूखी मेहंदी निकल रही, मुझे कोण चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ये वीडियो मुझे इसी से कंप्लीट करनी है। अब देखो ठीक है, अब ये बीच वाली में क्या कर रही हूँ, फिल कर रही हूँ, बीच वाली लाइन में फिल कर रही हूँ। डन। अब आप लोगों को क्या करना है, वापस कंगूरे बनाने। कोशिश करना, छोटे छोटे से कंगूरे बनाओगे। ठीक है, अब हम बनाएंगे बड़े बड़े कंगूरे। अब यहां पे मुझे बड़ी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखो मोटी लाइन आसपास में ड्रॉ कर रही हूं। लाइन ड्रॉ करने के बाद, बड़ी लाइन ड्रॉ करने के बाद एक और पतली लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद हमें वापस कंगूरे बनाने हैं। देखो हम यहां पर कंगूरे बना रहे हैं। ये करने के बाद आपको डॉट्स लगा देने, एकदम अच्छे सुंदर सुंदर सारे डॉट्स आपको इक्वल लगाने हैं। अगर डॉट्स भी आपने इधर उधर करें ना, तो सारी फिनिशिंग चली जाएगी। मतलब डॉट्स बहुत मैटर करता है आपकी मेहंदी में, सारे डॉट्स इक्वल ही होने चाहिए। भले इसमें टाइम लो, लेकिन धीरे धीरे लगाओ। अगर डॉट्स छोटे बड़े हो गए ना, तो ये सुंदर भी बनाया होगा ना, तो वो बेकार लगने लग जाएगा। डन। हमें ये काम कर लेना है, हमें ये काम कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को एक और नया बेल्ट सिखा रही हूं। फटाफट मैं यहां तक आपका वेट कर रही हूं, आप लोगों को मेरे बराबर आ जाना है। ये चीज कंप्लीट कर लो आप लोग। कभी भी फाइल में वर्क करेंगे तो हम कॉर्नर से करेंगे, यानी डे वन के नीचे से हमने स्टार्ट करा है। हमने यहां से स्टार्ट नहीं करा है, हमने यहां से स्टार्ट करा है। ठीक है, अब हम यहां पर आएंगे, फिर हम यहां पर आएंगे, ऐसे ही हमें हमेशा चलना है। ठीक है, चलो एक और बेल्ट में पेंसिल से बना रही हूँ। कौन से आप लोगों को बनाना है, ये आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, यहां पर एक लाइन मैंने ड्रॉ करी है, उसके बाद दो लाइन और ड्रॉ करी है, उसके बाद मैंने एक और लाइन ड्रॉ करी है, यानी टोटल मैंने फोर लाइन्स ड्रॉ करी है। बीच की दो लाइन मैंने फिल कर दी है। दो बार मुझे कंगूरे बना लेने हैं। ये मैंने बना लिया है कंगूरे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहां पर ऐसे एस की तरह मुझे ऐसे 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 चलना है, और यहां पर मुझे डॉट्स लगा देने हैं। देखो मैं डॉट्स लगा रही हूं। अगेन मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, 1 2 3 एंड ये हो गई मेरी 4, और ये वाली लाइन को मुझे सबसे ऊपर टॉप पे जो लाइन थी उसे मुझे डार्क कर लेना है। अगेन मैं कंगूरे बनाऊंगी। और यहां पर डॉट्स लगा दूंगी।
अब कोनवर्क सिर्फ एक बार ही करना है, बार बार नहीं करवा रही उसमें, आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। अब ये वाला जो मैंने बनवाया है इसका आपको यहाँ पर एक तो राउंड बनाना है और यहाँ पर कोनवर्क करना है, ठीक है। कोनवर्क आप नहीं भी करो तो चलेगा, राउंड बना देना, क्योंकि फाइल में ना ये पेज गल जाते हैं, ये जो पेजेस है ना वो देखो पीछे से अभी सूखने के बाद ये पूरा गल जाएगा, तो इसको सुखाने के लिए हमें रखना होता है। तो डे वन में आप क्या कर सकते हो, सिर्फ बेल्ट बना सकते हो, एक बेल्ट मैंने आपको सिखाया है, दो बेल्ट आपको मैंने सिखाया है, अब मैं तीसरा और सिखा रही हूँ, उसके बाद हम इससे हाथ बनाना सीखेंगे, तो इन दोनों से हाथ बनाना आपको अपने आप आ जाएगा। तो अभी मैं आपको एक बेल्ट सिखा दिया, दो सिखा दिया, आप तीसरे बेल्ट की ओर चल रही हूँ। तीसरे बेल्ट में आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जितनी ये बेल्ट है ना उतने के उसमें हमें यहां पर लाइंस ड्रॉ करनी है। अब आपको क्या करना है, यहां पर लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, ऐसे खींचनी है क्रॉस करती हुई, दूर दूर थोड़ी सी, देखो कर लिया आप लोगों ने। अब आपको क्या करना है, यहां पर ऊपर से ऐसे करा एक बार, फिर नीचे से ऐसे करा, फिर ऊपर से ऐसे करा, नीचे से ऐसे करा, ऊपर से ऐसे, नीचे से, ऊपर से, नीचे से, ऊपर से, और फिर नीचे से, और यहां पे भी नीचे से। अब इसको फिल कर दो, ये वाला जो एरिया है इसे हम फिल कर देंगे, तो ये एक और बेल्ट हमारा बन गया है। ये बेल्ट है ना डिजाइनर हैंड्स में हम काम में लेते हैं, इसका आपको सर्कल नहीं बनाना है, इससे आपको राउंड नहीं बनाना है, इसका आपको राउंड नहीं बनाना है, इसका आपको राउंड बनाना है, ठीक है, इसका आपको राउंड बनाना है यहां पर फाइल में। ओके, इतना आपने कर लिया। अब आपको फर्स्ट पेज पे और क्या करना है, यहां पर आपको 5 फिंगर्स बनानी रहेगी, ठीक है। फिंगर्स कैसे ड्रॉ करोगे, तो 1, 2, 3, 4 एंड यहां पे 5, ठीक है। 5 फिंगर्स आपको यहां पे ड्रॉ कर लेनी है, या लाइंस बोल सकते हो आप, लाइंस ड्रॉ कर लो, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। अब आपको ये जो बेल्ट मैंने यहां सिखाया है ना, 3 बेल्ट से सपोज, तीनों यहां पर बना लेना, और दो जो भी इनमें से आपको पसंद आए वो एक एक बार और यहां पर बना देना, ठीक है। ये जो बेल्ट है मैं एक एक बनाकर बता रही हूँ, देखो लाइन है, एज इट इज लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद एक और लाइन ड्रॉ करी, टोटल 4 करी, बीच वाली दोनों फिल कर दी, फिर छोटे छोटे कंगूरे बनाए, फिर बड़े बड़े कंगूरे बनाए, फिर डार्क लाइन, फिर पतली लाइन, फिर वापस कंगूरे, और फिर डॉट डॉट, कभी भी लाइन पर एंड नहीं होता है, कंगूरे पर एंड होता है, तो हम यहाँ पर कंगूरे बना देते हैं और वापस डॉट्स लगा देते हैं, डन। तो आपको ऐसे सारी फिंगर्स रेडी करनी है, ठीक है। तो ये आज हमारी डे वन की क्लास हो चुकी है कंप्लीट। अब एक बार मैं आपको हाथ बनाना सिखा देती हूँ कि इन दोनों का यूज करके, सिर्फ एक इतनी सी डिजाइन का यूज करके आप पूरा हाथ कैसे कंप्लीट कर सकते हो, इसके लिए मैं आपको आप हाथ सिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अब आपको ना एक फ्रेश पेज, मतलब नया पेज आप ओपन कर लो, ये फर्स्ट पेज हो चुका है, अगर खाली भी जगह रह रही तो आप भरना मत, बस इतना ही काम हमें फर्स्ट पेज पे करना है। अब इसको हटा करके मैं दूसरा पेज ला रही हूँ, ठीक है। इस पेज पे आपको हाथ ड्रॉ कर लिया है, अब इसमें हम हमारा हाथ ड्रॉ करेंगे, कहां तक करेंगे, यहां तक तो एटलीस्ट करना ही है। तो आप भले ऐसे रख लो अपना हाथ को, ठीक है, एक पेज पे एक हाथ ही आएगा तो भी चलेगा, ठीक है। ये देखो एकदम स्ट्रेट मैंने कर लिया है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, एकदम चिपकाना नहीं है, थोड़ा सा दूर रखना पेंसिल को, इतना दूर रखोगे तो भाई मोटा होगा तो चलेगा, पतला नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखो इतना दूर पेंसिल को हाइक कर रही हूँ, फिंगर सारी दूर दूर कर दो, ज्यादा दूर मत करना, ऐसे आपको हाथ ट्रेस करना है, और यहां से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारा हाथ ट्रेस हो चुका है। अब मैं आपको हाथ बता रही हूँ, हमारी जो ये शीट है, ये देखो हमने जो सीखा है, ये यूज करके और ये यूज करके पूरा हाथ कैसे कंप्लीट करेंगे, ये कहाँ यूज करना है, तो ये इस एरिया पे, देखो इस एरिया पे हमें यूज करना है। तो यहां पर मैं बना रही हूँ, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, आप लोगों को इजी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको भी रख दिया है। अब देखो ये हाथ है, यहाँ फर्स्ट लाइन देखो ये वाली है, फर्स्ट लाइन 4 लाइंस करनी है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। बीच वाली को हमें फिल कर देना है, अब यहां पर हमें छोटे छोटे से कंगूरे बनाने हैं, फिर हमें बड़े बड़े कंगूरे बनाने हैं, फिर हमें लाइन ड्रॉ करनी है अगेन, यहां का जो स्पेस है उसे फिल कर देना, थोड़ी डार्क होनी चाहिए लाइन, ये देखो डार्क कर रही हूं मैं इस लाइन को, डन। अब मुझे एक और लाइन ड्रॉ करनी है और यहां छोटे छोटे कंगूरे बनाने हैं, और यहां पे मुझे डॉट्स लगा देने हैं, ठीक है। डॉट्स मैंने लगा दिए, अब मुझे ऊपर भी एक बार कंगूरे बनाने हैं, और
फिर डॉट्स लगा देना है, ठीक है। ऐसे ही हम यहां पर राउंड बनाएंगे एकदम सेंटर में, इस जगह हमें ये राउंड बनाना है। देखो सबसे पहले राउंड बनाया, अब सेम चीज रिपीट करनी है इसलिए मैं क्लास को यहीं एंड कर रही हूं। देखो ये जो चीज है ना ये आपको यहां पर बनाना है, यानी ये इतने इतने में ये चीज बन जाएगी, ठीक है। और यहां पर डॉट्स आ जाएंगे, इस जगह पे डॉट्स आ जाएंगे, ठीक है। और अब वापस हमें क्या करना है, फिंगर्स पे हम क्या करेंगे, तो एकदम रिंग जितने, ये देखो यहां पर इतनी सी एरिया में हमने कर रखी ना, इतनी सी हमें हर जगह, यहां पर भी सेम बेल्ट बनाना है, यहां पर भी सेम बनाना है, यहां पे सेम बनाना है, और यहां पे सेम बनाना है, ठीक है। और इस जगह भी सेम बनाना है। तो ये एक पूरा हाथ आज हमने फर्स्ट डे में कंप्लीट कर लिया है, आप लोग इसे जरूर करना। और हाँ, इस बेल्ट का भी यूज करना, इस हाथ को मतलब एक और पेज पे आपको एक और हाथ बनाना है, उसमें आपको ये वाला बेल्ट बनाना है यहाँ पे, और सर्कल में भी आपको यही चीज यूज करके पूरा राउंड बनाना है। ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि आप लोगों को ये मौका वापस नहीं मिलेगा। आप लोगों को इतना डिटेल में एक एक चीज प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज अपना कमेंट, वैल्यूएबल कमेंट मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।